ए व्हाट्सअप गाइस, तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज के हमारे नए ब्लॉग पर, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह के 6 बज चुके हैं और हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और जो आप व्यू देख सकते हो क्या नज़ारे हैं, क्योंकि हमारे गांव के व्यू ऐसे होते हैं। तो गाइस जैसा कि हमारे जो स्प्लेंडर जयपुर वाले चैनल है उस पर आजकल वीडियो नहीं डल पा रही है, उसकी मेजर समस्या है। तो आपसे कंटिन्यू डालने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या हो रहा है हमारे सिलेंडर पे और कितनी चल चुकी है, ये देखने के लिए आप देख सकते हो। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सिलेंडर आपके सामने खड़ी है। और जो इस बाइक में जो कमी आ चुकी है, ये मेरी 2021 मॉडल बाइक है और जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल A1 कंडीशन बाइक है। और फिलहाल आप गंदगी को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि आजकल हमारी तरफ बारिश हो रही है, इस वजह से गंदगी थोड़ी ज़्यादा हो रखी है। तो मैं पहले एक बार आपको शॉर्ट दे देता हूँ, उसके बाद हम फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, क्योंकि शॉर्ट बिना तो क्या है। जैसा कि आप शॉर्ट देख चुके हैं और बहुत अच्छे शॉर्ट थे, तो गाइस जो हमारी बाइक में जो प्रॉब्लम आई है, मेजर प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो पहले आपको किलोमीटर चेक करा देता हूँ कि किलोमीटर कितने चल चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 20,243 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब ये मान लो कि इसकी सर्विस आने वाली है, 250 किलोमीटर हो रहे हैं तो उस पर इसकी सर्विस आ जाएगी। और मैंने बहुत दिनों से कुछ वीडियो बनाई भी नहीं है, तो मैंने बहुत सारी मॉडिफाई करवा भी चुकी है इस पर, तो वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो पहले हम जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बता देते हैं आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है और क्या नया आई, क्योंकि इसमें मेरे को 2021 में मैंने निकलवाई थी, उसके बाद जो प्रॉब्लम आई है वही देखना है और वही आपको बताना है क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए प्रॉब्लम के सामने चलते हैं, उसका नज़रिया धन्यवाद। तो गाइस जो प्रॉब्लम है वो है कि जैसे कि हम बाहर से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अंदर की है। जैसे कि हम फर्स्ट बार सलम मारते हैं तो पहली बार में एक बाइक स्टार्ट हो भी जाती है, नहीं भी होती है, ये इसमें प्रॉब्लम है। सर्विस वाले बोलते हैं कि एक सलम मारते ही बाइक स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो ये कई बार तो हो जाती है और कई बार नहीं होती है। तो देखिए हम देखते हैं कि चलती है या नहीं होती है। तो ये स्टार्ट हो गई, फिलहाल स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका दूसरा जो कंटा है वो ये है कि ये चलने के बाद, बोलते हैं ना कि I3S काम करता है, थोड़ा चलने के बाद बाइक को ये I3S जो ये बटन होता है या I3S का, ये किस काम का है, ये उस काम का है गाइस, क्योंकि कहीं भी हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, ट्रैफिक में चलते समय अगर बाय चांस कहीं पर बत्ती हो जाती है तो हमको रुकना पड़ता है। तो बार बार बाइक को स्विच बंद ऑन करने से इसमें जो मोटर वो ख़राब हो सकती है, इस वजह से I3S का सिस्टम है। तो I3S का मतलब यह होता है कि बाइक चलने के बाद नॉटल कर दो आप, वो अपने आप खुद बंद हो जाएगी 3-4 सेकेंड में, और जैसे आप क्लिच को प्रेस करोगे वो स्टार्ट हो जाएगी, आपको सेल्फ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे क्या प्रॉब्लम है, ये बाइक मैं चला लेता हूँ तो कहीं पर रोकना है, मैं नॉटल कर देता हूँ बाइक को और फिर ये बंदी नहीं होती है, क्योंकि I3S काम नहीं करता है। मैंने इससे पहले वाले सर्विस में उसमें बताया था कि सर ऐसे काम नहीं करता, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ किया था, यहाँ पर क्या पता कुछ जुगाड़ किया तो ये थोड़ा दिन काम करने लग गई और अब ये काम नहीं करती। तो मेरे को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लग रही है
और जब ये बाइक थोड़ी चल जाती है तो मैं इसको सलाह मारता हूँ तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। कम से कम 4-5 बार स्टार्ट करता हूँ तब भी स्टार्ट नहीं होती है बाइक। तो ये भी मुझे एक मेजर समस्या लग रही है। और हालांकि मेरी बाइक में हाल फिलहाल कोई भी कमी नहीं आई है, मैंने जो मॉडिफिकेशन करवाई है वो आपके सामने है। और बाकी गाइस एक बार सनसेट देख सकते हो, सनसेट क्या नज़ारा है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आगे भी जो ग्लोसी लेवलेशन है वो करवाई है, और बाकी इंटीग्रेटरों को ये जो मैंने पूरे इंटीग्रेटर चेंज नहीं कराए, ओनली जो ग्लास है ये चेंज कराए हैं, और इसके अंदर एलईडी लगवाई है वाइट वाली, ताकि इससे बाइक की लुक इन्हेंस हो गया है। और बाकी आप देख सकते हो, और मेरा जो ये लेग गार्ड है ये मेरा चौथा लेग गार्ड है गाइज, 4 लेग गार्ड में चेंज कर सकता हूँ स्प्लेंडर पे, कर चुका हूँ ये देख सकते हो आप, क्योंकि जो स्प्लेंडर लेता है ना उसके खर्चा बहुत आता है गाइज, कुछ भी बोलो आप खर्चा बहुत आता है गाइज, ऐसा नहीं है कि जो लाया उसी रेट में रख सकते हो। गाइज मैंने अभी तक इसमें बहुत सारे पैसे लगा चुके हैं, पीछे से फिलहाल कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, मैंने यहाँ पर नंबर प्लेट चेंज करने की सोची थी लेकिन वो अवरुद्ध हो चुकी है अब, क्योंकि पुलिस वाले कहीं भी चालान काट सकते हैं। बाकी ये जो लेग गार्ड है वो भी बहुत अच्छा है, इतना मजबूत तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है सेफ्टी के हिसाब से। और बाकी ये मैंने जो 8 लिखवाया था ये देख सकते हो भाई। तो फिलहाल की यही समस्या है गाइज, और तो कोई समस्या है नहीं इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, बाय बाय। और गाइज हमारे जिस भी भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे जब तक मेरे को भी कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरे व्यूज़ कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे, किसको अच्छा लग रहा है, और लाइक करके ज़रूर बताएं गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। All right.